हेलो, मैं हूँ मनोज मौर्य और हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो कि 7 सालों में पूछे गए हैं, 15 से लेकर 22 तक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन वैसे ही आ जाएं, क्योंकि वैसे ही ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन पूछने के चांस भी बन जाते हैं। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर के 11 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और सेकंड पार्ट में आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करवाता रहूँगा। तो ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर का। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2020 से, और जिसमें बोला गया है हमें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल पी गिवन है हमें, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू गिवन है। और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल होता है 2p के। तो इसमें LHS हम ले लेते हैं यहाँ पर, और LHS हमें गिवन है क्यू पी स्क्वायर माइनस वन। अब क्यू की वैल्यू हमें गिवन है सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, तो क्यू की जगह पर पुट कर देंगे हम लोग सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, और पी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें पी स्क्वायर दे रखा है और माइनस की वैल्यू यहाँ पर वन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सेक को हम तोड़ेंगे, सेक टूटता है किसमें, वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक को ब्रेक करेंगे तो कॉसेक टूटता है वन अपॉन साइन थीटा में, वन अपॉन साइन थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये माइनस का वन। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अभी इनका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा और ये साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा प्लस में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा, कॉस थीटा ये एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। और यहाँ फॉर्मूले से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो इसके जगह पर पुट कर देंगे वन, प्लस में बचेगा हमारे पास में टू साइन थीटा प्लस सॉरी इंटू कॉस थीटा माइनस वन। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस के साइन से, तो हमारे पास बचेगा इसका आगे का क्वेश्चन। इधर कंटिन्यू करते हैं, ये तो एज इट इज लिख लेंगे यहां पर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक ना, एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास सिर बचा हुआ है टू साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहां लिख लेंगे टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में हैं और ये वैल्यू सेम है, कॉस थीटा साइन थीटा आगे पीछे लिखा है, बट है तो ये मल्टीपल में ही, इनटू में ही, तो यहां पर ये इससे हो जाएगा कैंसल आउट। अगर बीच में प्लस का साइन होता तो नहीं काट सकते, बट यहां पर इनटू है तो काट देंगे हम लोग। और फिर फाइनली हमारे पास बच रहा है ये टू और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लिया है, ठीक है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा, और हमें गिवन है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल पी, तो ये टू तो ऐसे ही रहेगा, और साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पी। तो हमें LHS लिया था क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल, हमें प्रूफ करना था 2p, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया है। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस ईयर में, और
और ये पूछा गया था 16 में, जैसे बोला है कि साइन थीटा अंडर रूट 3 साइन थीटा और कॉस थीटा हमें गिवन है 0, और थीटा जो आएगा वो लेस देन 19 आएगा, तो यहाँ पर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन जो है उसी से हम स्टार्ट करेंगे, अंडर रूट 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। हमें यहाँ पर इसको टेन थीटा बनाना है, देखो क्या कर सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 को अगर हम उधर भेजते हैं तो ये अपॉन में जाएगा क्योंकि यहाँ इनटू में है, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल अपॉन में सॉरी अंडर रूट 3, यहां तक क्लियर है। अगर उस कॉस थीटा को अब इधर लाएं तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और ये यहां पर बचा अंडर रूट 3, और इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अगर आपको याद है टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो वो यहां पर हम पुट कर सकते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 की जगह पर रख देंगे हम, सॉरी 1/√3 की जगह पर टेन 30 पुट कर देंगे, और टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। फाइनली ये सॉल्व हो गया, 16 का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें जो 19 में पूछा गया है, और बोला है फाइंड ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0, और ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, मतलब लेस देन 90 हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां से, हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है साइन ए प्लस 2b इक्वल अंडर रूट 3/2। तो ये जो क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने का यही एक तरीका है कि हमें इस साइन को कैंसिल आउट करना है, तो हम साइन में ही ढूंढेंगे ये किसकी वैल्यू है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, और साइन 60 इसकी जगह पर पुट कर देंगे, तो सिंपली साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/2 की जगह पर हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहां पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस में 2b इज इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन 1 मानकर हम अभी यहां पर ऐसे ही रोक देंगे। अच्छा, हमें दूसरी भी चीज दे रखी है कॉस, तो यहां से देखेंगे कॉस ए प्लस में 4b इज इक्वल टू 0, हमें पता होना चाहिए क्योंकि जैसे हमने वहां साइन को कैंसिल आउट करा है वैसे यहां कॉस को भी कैंसिल आउट करेंगे, तो कॉस को कैंसिल आउट करने के लिए हमें पता हो 0 की वैल्यू क्या होती है, तो हम कॉस 90 इक्वल 0, मतलब कॉस 90 की 0 वैल्यू होती है, ये चीज पता हो, अगर ये पता है तो हमें क्या करना है, कॉस ए प्लस में 4b इक्वल यहां पर 0 की जगह पर क्या रख देंगे हम, कॉस 90, फाइनली कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस में क्या हो जाएगा 4b इक्वल 90। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, और दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसे, देखो ए प्लस में 2b इक्वल हो जाएगा 60 पहली इक्वेशन, और दूसरी हमें दे रखी है ए प्लस में 4b इक्वल 90, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को सॉल्व करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का माइनस का माइनस का, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब इधर से बचेगा माइनस का 2b क्योंकि 4 से 2b जाएगा,
माइनस का साइन बड़ा है तो यहां से 2b बचेगा बट साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े वाले का लगेगा। अब 90 से 60 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा तो 30 बट साइन आएगा माइनस का क्योंकि 90 क्या है बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 2 मतलब आ जाएगा 15। हमें b की वैल्यू पता चल गई है और b की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन कोई भी दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट कर सक देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी a प्लस में 2b इक्वल 60 और यहां पर जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस में 2 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30, 30 उधर जाएगा सब्सट्रैक्ट होने के लिए तो a इज इक्वल टू 60 माइनस में 30 और a की वैल्यू भी आ जाएगी 30। तो हमारे पास a b की वैल्यू निकल आई जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें पूछा है और ये पूछा गया है 2020 में, इंपॉर्टेंट है ठीक है ना। तो दिया है a cos थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल p और फिर हमें गिवन है b cos थीटा और a cos थीटा इज इक्वल टू q और फाइंड करने को बोला है वैल्यू p स्क्वायर और q स्क्वायर। तो यहां से देखो कॉन्सेप्ट हमें सीखने को क्या मिलता है, जब ऐसे हमें क्वेश्चन गिवन हो तो कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और हमें p की वैल्यू दे रखी है तो p की वैल्यू यहां पर हम इसकी जगह पर पुट करेंगे। p की वैल्यू गिवन है a cot थीटा प्लस में b cosec थीटा का होल स्क्वायर है ना, ये वैल्यू पुट कर देंगे और क्योंकि वैल्यू हमें गिवन है माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है b cot थीटा प्लस में a cosec थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, अभी क्या है दिख रहा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम अब हम लोग यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब बी cosec थीटा का होल स्क्वायर और यहां पर प्लस 2ab मतलब 2 a cot थीटा और b है हमारा b cosec थीटा। क्लियर है, माइनस का साइन लगा हुआ है तो इधर से अब हम ओपन करेंगे b cot थीटा का होल स्क्वायर मतलब इसको हम a स्क्वायर बोलेंगे प्लस में b स्क्वायर a cosec थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू b cot थीटा और इंटू हो जाएगा a cosec थीटा। क्या यहां तक क्लियर है। अब यहां पर एक बात ये समझनी है कि अगर ये माइनस का साइन है तो अंदर के सारे ब्रैकेट खोलते ही सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, फाइनली ये भी माइनस हो जाएगा और जैसे ही साइन चेंज हुए तो ये दोनों डिजिट भले ही ये a cot के साथ है और यहाँ पर a cosec के साथ है बट पूरी वैल्यू इंटू में है तो ये एक दूसरे से पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास इतना ही बच रहा है। अब इसमें समझना ये है, अब जो बचा है ये फॉर्मूला बनाना है क्योंकि a cot स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर a cosec के साथ है तो a डिजिट वालों को एक पास कर लेते हैं हम लोग, जैसे ये है तो यहां क्या करते हैं a cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस में a cosec थीटा का होल स्क्वायर, इसे एक पास लिख लिया। इसके बाद हम देखेंगे b वाले को, b वाला है तो इसको यहां पर लिखेंगे प्लस b cosec थीटा का होल स्क्वायर और माइनस b cot थीटा
बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अगर ये फॉर्मूला पता है तो यही हमें यहां पर बनाना है, बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि कॉट के आगे माइनस आना चाहिए बट यहां पर कॉसेक के आगे माइनस है, तो यहां अगर इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं या ए स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका स्क्वायर अलग हो जाएगा, ए का स्क्वायर अलग हो जाएगा तो कॉट भी अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी ए स्क्वायर अलग हो जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये बी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां पर भी सेम वही कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इन दोनों में, इसके बाद यहां कंटिन्यू करते हैं हम लोग, इन दोनों में देखो हम क्या कॉमन ले लें, अगर हमें ये फॉर्मूला बनाना है तो कॉसेक के आगे आना चाहिए प्लस, तो इन दोनों में से माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या यहां पर बचा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और उसमें तो सिर्फ बी स्क्वायर ही कॉमन लेना है, तो प्लस का बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया भी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है, तो ये तो वन हो जाएगा, और क्या यहां देख पा रहे हैं कि ये भी वही चीज लिखी है, बस आगे पीछे वैल्यू लिखी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ही है, इसको चाहे सही करके भी लिख सकते हैं स्टेप में, मगर यहां से ही समझ जाइए ये भी वन हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचता क्या है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको अगर हम सही से लिख लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यही इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया है 19 में, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन एक्स प्लस में कॉस वाई इक्वल वन है, और एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 30, तो वाई एक एक्यूट एंगल है और उसी की हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि गिवन है हमें साइन एक्स प्लस में कॉस वाई इक्वल वन, एक्स की वैल्यू गिवन है 30, तो साइन 30 प्लस में कॉस वाई इज इक्वल टू वन, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां पुट कर दिया हमने कॉस वाई इज इक्वल टू वन, ये 1/2 उधर हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करने के लिए जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू वन माइनस 1/2, और 1 में से हाफ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैसे भी हाफ ही बचेगा, है ना, और प्लस का ही साइन आएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2, और ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 की जगह पर हम पुट कर सकते हैं कितना, 60, तो कॉस y इज इक्वल टू कॉस 60, और cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 60। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया है 22 में, और यहां पर बोला गया है थीटा इज एन एक्यूट एंगल और हमें गिवन है tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू, देन उसके बाद बोला है फाइंड करने के लिए वैल्यू साइन क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान ये चीज देनी होती है कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ वैल्यू हमें गिवन होगी, उसके बेसिस पर हमें फाइंड करनी होगी अच्छा वैल्यू, और यहाँ साइन क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ हमें यहाँ थीटा पता होता तो ये वैल्यू निकल आती, बट थीटा ना देकर डायरेक्टली उन्होंने यहां पर बोला है कि tan और cot थीटा इक्वल टू, तो यहां वो चाहते हैं कि इससे हम लोग पहले थीटा फाइंड करें, है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर सॉल्व करेंगे, इसको लेंगे tan थीटा प्लस में cot थीटा इक्वल टू,
और यहां से स्टार्ट करके इससे हमें थीटा निकालना होगा एक्चुअली, और वो थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो टैन थीटा को ऐसे ही लिख सकते हैं, और कॉट को हम यहां पर रेसिप्रोकल में तोड़ देंगे, वन अपॉन टैन थीटा। ये समझ में आया है, कॉट को सिर्फ तोड़ा है क्योंकि वन अपॉन टैन लिख सकते हैं। टू इधर ले आएंगे, माइनस का टू इक्वल जीरो हो जाएगा, इसके नीचे वन मान लेंगे और इसके नीचे वन मान लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा टैन थीटा, है ना। टैन यहां पर डिवाइड करेंगे तो टैन ही आएगा, ऊपर जाएगा तो टैन का टैन से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो टैन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना। टैन से टैन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर ये वन ही रहेगा, और यहां पर ये टैन फिर ऊपर चला जाएगा टू टैन थीटा, और इधर से जीरो है, वन मानेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टैन जीरो के साथ जाकर उधर हो जाएगा जीरो। और इसको अगर सीक्वेंस से लिख लें तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस का टू टैन थीटा प्लस में वन, सही है ना। अब ये कुछ इस तरीके की क्वेश्चन बनी है जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से, टैन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं टैन थीटा प्लस में टैन थीटा, और प्लस में वन इक्वल जीरो, क्योंकि इनको इनको ऐड करेंगे तो टू टैन थीटा, और इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, यही तो रूल होता है। तो इसके बाद हम टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा फिर माइनस टैन थीटा प्लस वन, क्या ये समझ में आया। हमने ब्रैकेट ओपन करा तो अंदर के साइन चेंज हो गए, और फाइनली देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, इसमें से टैन कॉमन हो रहा है तो हम टैन को कॉमन ले लेंगे टैन थीटा, तो यहां बचेगा वन माइनस, सॉरी यहां पर बचेगा टैन थीटा, और यहां से चला जाएगा एक ही है टैन तो चला जाएगा तो वन बचेगा, और उसमें से देखो क्या कॉमन हो रहा, बाहर साइन जब भी माइनस के मिले तो माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया, मतलब माइनस का वन लिखा जाता है, ऐसे लिखने में आता है कि माइनस का वन मैंने कॉमन लिया, तो यहां आ जाएगा टैन थीटा और यहां पर माइनस वन, और ये दोनों सेम हो गए ब्रैकेट में, यहां इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो ये दोनों जो एक ही बॉक्स में है ये सेम है, इनको अलग लिख लेंगे, तो टैन थीटा माइनस वन, ये जो बॉक्स वाले हैं ब्रैकेट वाले हैं उनको अलग लिख लिया, बचा क्या टैन थीटा माइनस वन, टैन थीटा माइनस वन और इक्वल जीरो, इस ये दोनों सेम हैं तो इसको लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन और इक्वल जीरो, सॉरी इस यहां पर होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, ठीक है ना। और ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो जीरो पर स्क्वायर गया तो वो तो जीरो ही हो गया, तो टैन थीटा माइनस वन, और ये वन उधर भेज देंगे तो टैन थीटा इज इक्वल टू वन, और ये हमें पता होना चाहिए कि टैन 45 इज इक्वल टू वन होता है, तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे टैन थीटा वन की जगह पर पुट कर देंगे टैन 45, और ये थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो अभी हमें पता चल चुका है थीटा कितना गिवन है 45, और यही थीटा हमें रखना होगा इस वाली इक्वेशन पर, ये साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ करके आगे वैल्यू वहां पर पुट करेंगे हम लोग। कट एक्सर, तो थीटा हम लोग पता कर चुके हैं टैन सॉरी थीटा इज इक्वल टू 45, तो यहां पर अब हमें पुट करना होगा साइन क्यू 45, थीटा की जगह पर पुट कर दिया, और प्लस में कॉस क्यू 45। अब ये चीज हमें पता होना चाहिए कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट 2, और सेम वैल्यू कॉस 45 की भी होती है 1 बाय अंडर रूट 2। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये टेबल हमें गिवन है ना।
अब यहां देखो क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 2 का क्यूब प्लस में 1 बाय अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा क्यूब। अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं, तीन बार लिख लेंगे, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू प्लस वन बाई अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू अंडर रूट टू, और ये क्या बन जाएगा टू और इधर भी टू, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं टू अंडर रूट टू और ये भी टू अंडर रूट टू। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में 1, मतलब ऊपर ऐड हम कर लेंगे 2 और नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2। और आंसर में कभी भी हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने आप से ही अंडर रूट 2 ऊपर और अंडर रूट 2 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे हो जाएगा 2, तो हमारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें गिवन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 2 कॉस थीटा, ये हमको गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 2 साइन थीटा होता है। तो हमको जो गिवन है वहां से शुरू करेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हमें एक दे रखा है यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट टू cos थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos वाली वैल्यू एक पास भेज देंगे तो साइन थीटा को उधर रोक लिया जाएगा और cos इधर जाएगा माइनस में, अंडर रूट टू cos थीटा माइनस ये हो जाएगा cos थीटा, ये साइन थीटा ही है, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है कॉस थीटा और ये आ जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन। यहां तक समझ में आया होगा। तो अब यहां पर कई की जगह पर हमें कुछ वैल्यू से सेम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई अंडर रूट टू प्लस वन, इसके अपोजिट से, तो यही साइन थीटा लिखा हुआ है, यही वैल्यू अंडर रूट टू प्लस वन इधर मल्टीप्लाई हमने कर दिया और सेम वैल्यू उधर भी करेंगे, कॉस थीटा है अंडर रूट टू माइनस वन है और अंडर रूट टू प्लस वन है। अच्छा ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा, ये अंडर रूट वाली वैल्यू यहां से सॉल्व हो जाएगी और हमें ये भी यहां पर दिख रहा है कि साइन थीटा के साथ में अंडर रूट टू है, तो यहां देखो साइन थीटा के साथ में अंडर रूट टू लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहां अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो अंडर रूट टू साइन थीटा हो जाएगा और साइन का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहां समझ में आया होगा। और ये कॉस थीटा तो ऐसे ही यहां पर नोट कर लिया हमने, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वन स्क्वायर, तो ये वैल्यू सेम उसी तरह नोट करेंगे अंडर रूट टू साइन थीटा प्लस में साइन थीटा और यहां अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस वन और 2 का 2 में से 1 में से 2 कट 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो उधर सिर्फ बचेगा कॉस थीटा, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस में साइन थीटा और इधर बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि 2 से 1 गया तो 1 ही बचेगा और 1 का कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा आया, तो अंडर रूट टू साइन थीटा इक्वल ये साइन थीटा उधर जाएगा तो कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या हमें यही प्रूफ करना था, बस वो लिखा है आगे पीछे तो इसको सही से लिख लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये वाली वैल्यू इधर लिख ली और ये अंडर रूट टू साइन थीटा, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कट एक्सेल,
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन कट एक्शन अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें दे रखा है सेक थीटा और साइन थीटा इक्वल 0 है और हमें थीटा की वैल्यू बतानी है और 16 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल है। सेक थीटा और ये साइन थीटा इक्वल 0 है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में हम टैन ही बनाने की कोशिश करेंगे, तो सेक को अगर हम तोड़ देते हैं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये साइन थीटा इक्वल 0 और हमें पता है ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 0 क्योंकि कॉस अपॉन में ही है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा और 0 और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टैन 0 की वैल्यू 0 ही होती है तो इसको हम टैन 0 लिख सकते हैं और यहाँ है टैन थीटा और फाइनली टैन से टैन कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट है इसका। अब हम लोग देखेंगे 19 का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमें वैल्यू देखो ये याद ही होनी चाहिए, साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 और टैन 45 की वैल्यू होती है 1 और सेम उसी तरीके से कॉस 30 की भी वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो ये सारी वैल्यू बस इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है। तो साइन स्क्वायर 60 है तो इसको यहां सॉल्व करते हैं हम लोग, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर क्योंकि उसका स्क्वायर है, प्लस में 2 × 45 की जगह पर 1 पुट कर देंगे, प्लस में माइनस का साइन है और कॉस स्क्वायर 30 है तो अंडर रूट 3/ क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहां तुम्हें पता है कि अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, ये हो जाएगा 4, प्लस का 2 × 2 और ये माइनस का साइन है और यहाँ पर 3/4, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इस सब का एलसीएम आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा 3 और यहाँ पर ये 4 ऊपर जाएगा और 4 × 2 हो जाएगा 8 और माइनस है 4 से 4 कैंसिल आउट तो ये 3, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 8/4 और 4 × 2 हो जाएगा 8, तो आंसर 2 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें ये पूछा गया है 17 में और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि यहाँ पर एक तरीके का क्वेश्चन समझ लिया जाए तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू 3/4, तो इसको ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। तो हमें गिवन यहां पर है tan a इज इक्वल टू 3/4, मतलब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा और टैन थीटा का अगर हम फॉर्मूला पढ़ें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब 3 परपेंडिकुलर है और 4 हमारा क्या है बेस। ये यहाँ से ये बहुत कॉमन, मतलब बहुत पुराना निमोनी है एक तरीके का कट। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे और ए बी सी रेफरेंस एंगल ए ही ले रहे हैं, यहीं से देखेंगे तो हमारे लिए जहां से देखना शुरू करते हैं उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाता है, तो परपेंडिकुलर ये है मतलब हमें ये 3 गिवन है, बेस ये है तो हमारा ये 4 हो जाएगा। और अगर हमें हाइपो नहीं पता है तो हाइपो निकालने का सबसे अच्छा तरीका पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, दो छोटी साइडों का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, और हमें ए बी की वैल्यू पता है कितना है 4 का स्क्वायर और बी सी की भी वैल्यू पता है 3 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, 4 × 4 हो जाएगा 16 और 3 × 3 9 ए सी और ये अंडर रूट स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, 16 प्लस 9 25
और एसी, और 25 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो एसी आ जाएगा 5। अब हमें ये पता चल चुका है हाइपो 5 है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलर होते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो वैल्यू पूछी है 1/sin a, 1/cos a, तो हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन ए की अगर वैल्यू निकालते हैं तो साइन ए का देखो फॉर्मूले से देखते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर हमारे लिए कितना दे रखा है 3, और हाइपो कितना गिवन है 5। तो साइन ए की वैल्यू पता चली। कॉस ए की वैल्यू निकालना हो तो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन में हाइपो। बेस हमें गिवन है 4/5, ठीक है ना। यही वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/sin a प्लस 1/cos a। अच्छा साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/3/5 है ना, प्लस का साइन लगा हुआ है, और यहां पर क्या हो जाएगा 1/4/5। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम यहां पर फ्रैक्शन देखेंगे, नीचे का फ्रैक्शन कंप्लीट है ऊपर का नहीं कंप्लीट है, तो वहां उसके अपॉन में 1 मानेंगे, अंदर अंदर बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर बाहर मल्टीप्लाई मतलब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो रहा तो 5 ऊपर जा रहा तो 5 ऊपर चला जाएगा, और अंदर अंदर मतलब 3 ये नीचे आ जाएगा। सेम यही चीज यहां पर भी करेंगे, नीचे का फ्रैक्शन कंप्लीट है 1 मानेंगे, अंदर और बाहर मल्टीप्लाई मतलब बीच का प्लस साइन है, ऊपर जाएगा 5 अपॉन में कितना 4, और अगर इनका एलसीएम ले लिया जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 12, और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 ऊपर जाएगा, और 5 4 जाए 20 एलसीएम ले रहे हैं सिंपली, है ना, और 4 3 जाए 12 3 ऊपर जाएगा, और 5 3 जाए 15, ठीक है ना, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35/12। बस यही इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये 2020 में पूछा गया था, और हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें से, और गिवन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल पी होता है, तो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, 3 ही हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां पर इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये sec थीटा माइनस tan थीटा भी इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें p गिवन है तो यहां पर हम वैल्यू p पुट कर देंगे, और ये sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये p जाएगा अपॉन में, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1/p, और इसको इक्वेशन हम मान लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट में से सेकंड वाली इक्वेशन को हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, पहले ये टर्म लिखेंगे और माइनस ये, तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस का साइन लगाएंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा, और इज इक्वल टू फिर p में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 1/p, है ना, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट ओपन करने से, और यहां में दिख रहा है कि sec से sec कैंसिल आउट हो रहा है, और tan tan ऐड हो जाएगा तो 2 tan थीटा हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन लगा है, और इसके नीचे 1 मानकर इसका हम एलसीएम ले लेंगे p, और p ऊपर जाएगा तो p स्क्वायर, और p से p कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, यहां तक क्लियर है, और ये वाला 2 आ जाएगा अपॉन में,
टैन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है? सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, इन्हीं के बेस पर या सिमिलर क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।